हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। सुमन के चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम फ्रेंड्स काढ़े का मसाला बनाएंगे। इस मसाले से आप काढ़ा भी बना के पी सकते हो, चाय भी बना के पी सकते हो। अगर आपके गले में दर्द है या खांसी है, जुकाम है, बदलते मौसम में हर किसी को सर्दी जुकाम बहुत हो रहा है इस समय, तो आज हम काढ़ा बताएंगे आपको। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ हमें चाहिए 5 जायफल और यहाँ हमें काली मिर्ची चाहिए। सारी चीज़ें हमने 10-10 ग्राम ली हैं। अगर और यहाँ ले ली हैं हमने हरी इलायची, और यहाँ मुलैठी हम ले लेंगे। ये सारी चीज़ें आपको आराम से मार्केट में मिल जाएंगी। और यहाँ हम ले लेंगे दालचीनी और काली इलायची ले लेंगे, और 5 हम जायफल ले लेंगे यहाँ पे। और यहाँ हमें चाहिए लौंगें, ये लौंगें हमने ले ली हैं। और यहाँ ले लेंगे पिसा हुआ अदरक का पाउडर, या इसे सौंठ भी बोल सकते हो आप। और यहाँ हम सौंफ ले लेंगे, बड़ी 4 चम्मच हमने सौंफ ली है। क्वांटिटी अपने हिसाब से ना, मसाले की कमियाँ ज़्यादा कर सकते हो। आपको ज़्यादा मसाला चाहिए तो ज़्यादा मसाले ले लें, कम चाहिए तो उसमें से कम भी कर सकते हो। आपको मसाले की जितनी ज़रूरत है ना, उतना भी मसाला बना सकते हो। एक बार इस तरह से मसाला बनाओगे ना, तो गले का दर्द आपका ख़त्म होगा, और जो पसलियों में दर्द रहता है, पुरानी से पुरानी खांसी जुकाम भी, इससे ख़त्म होगा। तो मसाले को हमें करना क्या है, तो यहाँ हम पैन ले लेंगे और मसाले को थोड़ा हम सेक लेंगे। इतना सेकेंगे मसाले को, इससे थोड़ा सा इसका मॉइस्चर निकल जाए और मसाला आराम से पिस जाए। इतना मसाले को हमें सेकना है। मुलैठी ना हमारे गले के लिए बहुत फायदा करती है, आवाज़ को क्लियर करती है और गले का दर्द भी ख़त्म करती है। मुलैठी जो सिंगिंग करते हैं ना, उनके लिए बहुत फायदा करती है मुलैठी। तो देखिए, इस तरह से थोड़ा मसाले को हमने सेक लिया है। अब इसे एक बर्तन में हम निकाल लेंगे और थोड़ा सा ठंडा करेंगे, ज़्यादा ठंडा हमें नहीं करना है मसाले को। और जो इलायची है ना, इलायची को थोड़ा सा हम फोड़ने के बाद इनके दाने निकाल लेंगे और छिलके हम अलग हटा देंगे। तो देखिए, इलायची हमने इस तरह से दाने दाने अलग कर लिए हैं और छिलके अलग कर लिए हैं। और ये छिलका बचे हुए हैं ना, आप फेंकना नहीं चाह रहे हो तो रख लें, जब पुलाव वगैरह बनाए ना तब उसमें डाल सकते हो, या खिचड़ी बना रहे हो ये मसाले में भी यूज कर सकते हो इसे। तो अब मिक्सी का हम जार ले लेंगे, इसमें हमें सारी चीज़ें डालनी हैं। अगर मुलैठी आपके मिक्सी में नहीं पिस रही है ना, तो छोटे छोटे इसके चाकू से टुकड़े कर लें, क्योंकि मुलैठी ना बहुत हार्ड होती है, पिसने में थोड़ी दिक्कत आती है इसमें। तो इस बात का ध्यान रखें आपकी मिक्सी ख़राब ना हो। तो देखिए, मसाला तो हमने पीस लिया है, इस तरह का पिसा हुआ मसाला चाहिए। इससे इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, एक बार इस तरह से काढ़ा बनाओगे ना तो सबको बहुत पसंद आएगा काढ़ा, आप देख सकते हो। अब जो सौंठ पाउडर था ना, वो इसमें हमें डालना है। सौंठ डालेंगे इसमें, आप मसाले के साथ भी पीस सकते हो इसे। अगर आपके पास साबुत सौंठ है ना, तो वो भी इसमें डाल के पीस सकते हो मसाले में। हमारे पास पिसी हुई थी तो हम पिसी हुई ले लेंगे इसमें। अच्छी तरह से इसे भी मिला देंगे। तो सौंठ तो हमने इसमें अच्छे से मिला दी है। अब इसका ना हम काढ़ा बनाएंगे, काढ़ा बना के आपको दिखाएंगे। तो इसे हम साइड में रख देंगे। और एक चीज़ और बता दें आपको, हमने तो मसाले में मुलैठी को पीस लिया है। अगर आप पीसना नहीं चाह रहे हो, आपकी मिक्सी में अगर नहीं पीस रही है, तो क्या करें, किस तरह से यूज करें, तो देखिए आगे। तो यहाँ हम पैन ले लेंगे, इसमें हमें डालना है 1 गिलास पानी। 2 कप हम बना रहे हैं काढ़ा, तो 1 गिलास पानी डालेंगे। अब इसमें काढ़े में हमें 1 चम्मच भर के, 2 कप में 1 चम्मच भर के हम डालेंगे जो हमने मसाला बनाया था। और इस तरह से थोड़ा मुलैठी का टुकड़ा इसमें डाल देना है हमें, और इसमें अच्छे से हमें उबाल आने देना है पानी में। जब तक हमारा काढ़ा बनेगा, तब तक इधर हम दूसरा काम कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने बिल्कुल साफ करके जार को पहले धोया और धूप में सुखा के इसे ले लिया है। अब इसमें भर के मसाले को हम रख देंगे। मसाला ये खराब नहीं होगा, आप 1 से 2 महीना इसे चला सकते हो, मसाले को आराम से बना के रख लें। तो देखिए, जार में हमने मसाले को भर दिया है। अब इसका कैप लगाएंगे
और इसे हम रख देंगे। जब भी आपको काढ़ा बनाने का मन हो या चाय बनाने का मन हो तो थोड़ा सा मसाला डालें उसमें और चाय बनाएं, बहुत टेस्टी चाय बनती है इसकी। तो देखिए काढ़ा भी हमारा बन गया है। अब हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे और इसे गरम गरम हम छानेंगे। तो 2 कप ले लेंगे और छन्नी ले लेंगे यहाँ पे। इस तरह से काढ़े को हम छानेंगे और गर्मा गर्म इसे सर्व करेंगे। गर्म गर्म पीने में ना ये टेस्टी भी बहुत लगता है, जब गर्म गर्म हम पीते हैं ना तो फ़ायदा भी काढ़ा बहुत करता है। अगर फ्रेंड्स इस तरह से काढ़ा बना के पियोगे तो गले का दर्द जड़ से आपका ख़त्म होगा, बहुत फ़ायदा करेगा ये काढ़ा। बड़े हो या बच्चे, किसी को भी ये काढ़ा या चाय बना के दे सकते हो, बिल्कुल नुकसान नहीं देगा, सिर्फ ये फ़ायदा ही करेगा। तो कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।